बड़ी खबर है रीवा से। अपने को बता दी कि रीवा के सिरमौर विधायक देवराज सिंह के सख्त तेवर देखे में मिले हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान गोहना में सचिव के लापरवाही पर विधायक खासी नाराजगी जताई। इस दौरान न केवल विधायक नाराज भे बल्कि सचिव का कड़ी फटकार घरा लगाई। बताया जाता है कि सचिव मुकुंद बिहारी तिवारी से मंचय से विधायक प्रगति रिपोर्ट पूछ लेकिन जेके बाद संतोषजनक जवाब न दिए पर सचिव का फटकार लगाई नहीं भाई। वहाँ सचिव का 10 दिन में जवाब दे के नोटिस घलाए जारी की जा रहा है। अंदाजा यह लगावा जाता है कि अगर संतोषजनक जवाब विधायक सचिव के जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो बड़ी कार्रवाई घलाए हो सकती है। तो विभिन्न क्षेत्र के पहल पहली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे समझने का प्रणाम कहते हुए शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपने बता दें कि दरअसल सिमरिया में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम के आयोजन कीन गरहा जहां ग्राम पंचायत गौहना में यह कार्यक्रम में सिरमौर विधायक सहित कई नेता मंच में पहुंचे रहे। मंचय से सिरमौर विधानसभा के विधायक देवराज सिंह शासन के जन कल्याणकारी योजना के बारे में आम जनता को अवगत करावत रहे। तब विधायक मंचय से सचिव गोहाना से प्रधानमंत्री आवास योजना और संबल योजना की जानकारी मांग लें। वहाँ तत्काल सचिव मुकुंद बिहारी तिवारी कोनोमेर के जवाब नहीं दे पाए। सचिव के द्वारा कहा गया कि उनका कोनोमेर के जानकारी नहीं रही जे पर सिरमौर विधायक सचिव के लापरवाही पर खासा नाराज भे और पीसीओ का बुलाए के सचिव और जीआरएस के खिलाफ जनपद से तत्काल नोटिस जारी करे के निर्देश घलाए दे दिन में। अपना बता दी कि एक बाद 10 दिन के भीतर पंचायत के सही रिपोर्ट कह के पूरा करे के प्रस्तुत करे के बात कही नहीं मैं। वहाँ अगर सचिव के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तब बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अपने बता दी कि कार्यक्रम में आम जनता घलाए उपस्थित रही। इसके अलावा ग्राम पंचायत डगडैया गाढ़ा 138 किराई खमरिया 34 पतेरी ग्राम पंचायत में घलाए मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर के आयोजन कीनगा। अपने बता दी कि रीवा जिला में कई ग्राम पंचायतों से भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामला समूह आए हैं जहां कुछ मामलों में कार्रवाई कीन गई है तो कुछ का जाँच के नाम पर लटकाए घलाए दिन का है। जरूरत ही है कि सब ग्राम पंचायतों के विकास काम के समय समय पर समीक्षा कीन जाए जैसे कि कौने ग्राम पंचायत में कहाँ कितना विकास कितना राशि खर्च कीन गई है शासन के द्वारा उभव पूरा गणित जो है आम जनता का समझ में आ सके बेहद जरूरी है। काहे से कि विकास के काम जो होता आम जनता का समर्पित होता आम जनता के हितन खातिर कीन जाता और एक जानकारी आम जनता का हो जरूरी है। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम। आज हमारे खासकर मध्य प्रदेश रीवा जिले में क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या रीवा में है कि कई लोग गरीब जनता दूसरे बड़े लोगों की जमीनों में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। उनको खुद का पट्टा नहीं है, उनका खुद का आवास नहीं है और दूसरे लोग जब घर बनाने जाते हैं तो तहसील से स्टे ले लेते हैं, घर नहीं बनने देते हैं। तालाब में बसे हैं तो उनको तालाब में नहीं घर बनाने दिया जाता है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हमारे मध्य प्रदेश में खासकर रीवा जिले में देखी जाती है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब मात्र आपको किसी कियोस्क में जाकर के या कोई लोक सेवा केंद्र में जाकर के मात्र 40 रुपए की उसमें फीस लगेगी। 40 रुपए में आप अपना आवेदन दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भूमि नहीं है, उसके परिवार में उसके लड़के बच्चे अलग हो गए, उनको अलग से उनको घर की आवश्यकता है, तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई किसान 5 एकड़ से कम जमीन वाला, उसके लिए भी अगर उनके पास उनके परिवार जो बढ़ गया है उनके पास आवास के लिए अगर जमीन नहीं है तो बच्चों के लिए भी अलग से जमीन का प्रावधान उसमें किया जाएगा। इसमें सरकार अगर आपके गांव में शासकीय जमीन है तो उसमें आपको जमीन दी जाएगी अथवा दूसरी जमीन खरीद करके भी आपको पट्टा दिया जाएगा। अरे आप कैसे सचिव हो, आपको जानकारी नहीं है? चलो ठीक है, मैं आपको देखता हूँ। रोजगार सहायक कौन है यहाँ का? काम कर रहा है वो, काम करता है। आपको जानकारी कितने संबल बन गए? आप पति है ना? नहीं, आप ही हैं सर। कितने जानकारी है आपको, कितने बन गए? आप तो पढ़े लिखे हैं। 47 क्या है? 47 ही बने हैं। नहीं तो आपकी अभी भाई आपकी प्रगति बहुत कमजोर है। अरे कहूँ क्या नहीं बनाया।
चलिए ठीक है, आप तरफ देखते हैं, आप बताइए, निकल निकलना पड़ेगा, कहाँ काम नहीं कर पा रहे भैया। पीसीओ यहाँ के कौन है? आई आई इधर आइए वर्मा जी, आप आज यहाँ की गवाना की आप जांच यहाँ रिपोर्ट भेजिए, यहाँ काम सब हम देख रहे हैं कि बने संतुष्टि नहीं हो रही हमको यहाँ के काम की, ठीक है ना, आप इसकी रिपोर्ट दीजिए यहाँ पे सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर, दोनों को नोटिस दीजिए और कहिए कि ये 10 दिन के अंदर पूरे शिविर में जितने भी संबल और आयुष्मान के कार्ड जल्द से जल्द बनवाए, ठीक है ना, आज इनको नोटिस दीजिए दोनों को, ठीक है ना, जनपद से, ठीक।